दिल्ली में ना तो भीषण जल संकट कम हुआ है, ना इस पर होने वाली सियासत। कई जगहों पर हाल इतना खराब है कि लोग हर दिन पानी के टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा। इससे लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ा। नतीजा ये रहा कि सरकार के खिलाफ ना सिर्फ सड़कों पर लोग हैं, बल्कि गुस्से में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई है। जल बोर्ड की तोड़फोड़ का ये वीडियो जब सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोग गुस्से में मटके से शीशे तोड़ते दिखे। इस मौके पर मौजूद लोगों से जब बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग एक कच्ची कॉलोनी में रहते हैं और कच्ची कॉलोनी में माननीय केजरीवाल को इसलिए लेके आए थे कि उन्होंने कहा था कि हर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। मगर जब हमने देखा कि हमने वोट भी दे दिया, तीन तीन बार सरकार बना दी, हमारे यहाँ आज भी जाकर देख लिए पानी की लेंथ तक नहीं बची हुई। ट्यूबवेल थे वो खराब हुए पड़े हैं, बंद पड़े हुए हैं। हम विधायक के जाते हैं, विधायक जी मिलते नहीं हैं। विधायक के यहाँ जो लड़के खड़े होते हैं वो कह देते हैं भाई यहाँ पर नहीं है, आप जाइए, आप पानी के लिए कहाँ जाएँ। यहाँ पर आते हैं, पानी के एप्लीकेशन लिखवाते हैं, चार चार छः छः दिन में एक टैंकर पानी जाता है पूरे पूरे ब्लॉक के अंदर। हमें मात्र 500 लीटर या 200 लीटर पानी मिलता है। कई जगह तो पानी वाले भी हमसे पैसे मांगते हैं, एक ड्रम भरवाते हैं पूरा उसका 100 रुपये लेते हैं। हम कहाँ से लाएं, गरीब लोग हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें पानी की। वहीं पूर्व सांसद रमेश भिदूड़ी भी लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। हमारी एक ही मांग है केवल, हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 एमजीडी पानी था, आज भी 950 से 1000 एमजीडी पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या, रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी एमजीडी का कोई नया ट्रीटमेंट प्लान केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 एमजीडी का था, ओखले में 100 एमजीडी का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 एमजीडी, 1300 एमजीडी दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव पेश करने के लिए केजरीवाल दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया। वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हजार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है, 70 हजार करोड़ के घाटे में जल बोर्ड है। इसके लिए भी आती सी बता देना कि सीएजी बार बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए, क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया। हालांकि भिदूड़ी ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की। भिदूड़ी ने कहा कि सरकार और लोगों की संपत्ति है, इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं। मैं लोगों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाने की अपील करता हूं। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्ट में कहा, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सरेआम गुंडागर्दी, देखिए कैसे बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिल्ली जल बोर्ड की दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के हक का पानी रोके हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली की जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। आखिर इन्हें दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों है। इसके अलावा आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देखिए भाजपा के पटके पहने नेता और भाजपा नेता जिंदाबाद के नारे लगाते कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में संपत्ति की तोड़फोड़ कर रहे हैं। जगह जगह पानी की पाइपलाइन कौन तोड़वा रहा है, किसका षड्यंत्र है। बता दें कि इस बीच पुलिस कमिश्नर ने आदेश देकर आपके आरोपों के आधार पर पानी की पाइपलाइनों के आसपास सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। दरअसल आरोप है कि पानी की पाइपलाइन बीजेपी द्वारा तोड़वाई जा रही है।